अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए एक फेस उपटन DIY लेकर आई हूं। तो जिनकी शादी होने वाली है या आपके खानदान में करीबी शादी है और आप चमकना चाहते हैं, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आई हैं। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपकी बहन का भी थोड़ा सा भला हो जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके प्यार से। तो चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच बेसन लिया है और मैं इसके बेनिफिट्स भी आपको आगे चलती वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद यहाँ मैंने एक चम्मच चावल का आटा लिया है, जो कि आप देख सकते हैं ये एक चम्मच मेरे अपने फेस के हिसाब से काफ़ी है। और चावल का आटा आपको पता है कितना बेनिफिट होता है हमारी स्किन के लिए। इन दोनों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये मैं एक फेस के हिसाब से बना रही हूँ, तो आपको अगर फुल बॉडी के लिए बनाना हो तो आप इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये मेरे पास है गंदुम का आटा, जो हमारे घर में नॉर्मल होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं, वो भी आपने एक चम्मच ले लेना है। और इन तीनों को अच्छी तरह मिक्स करके उसमें हम डालेंगे एक चम्मच दही। ये मैंने छोटा ही चम्मच लिया है दही का, और इसमें आप लोग हनी भी ऐड कर सकते हैं। हनी मेरी स्किन पर सूट नहीं करता तो मैंने इसलिए स्किप किया है, बाकी उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं अगर आप उसको अपने इसमें ऐड कर लेते हैं। फिर यहाँ मैंने ली है थोड़ी सी हल्दी, आप पिंच साइज भी ले सकते हैं, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की है। और इसको आप ये वाली हल्दी जो नॉर्मल होती है सालन में डलती है वो भी ले सकते हैं, कस्तूरी हल्दी आपके पास तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छे उसके बेनिफिट्स हैं। मेरे पास नहीं थी, मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैंने यही ऐड की। अच्छा, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है आपने बहुत ज़्यादा अच्छे, ताकि इसमें कोई भी मोटे पार्टिकल्स ना रहें। अच्छा, जिनकी एक्ने स्किन है वो दही स्किप भी कर सकते हैं, और दही की जगह आप लोग रोज़ वाटर यूज़ करें, आपको बहुत अच्छे फायदे मिलने वाले हैं। मैंने तो दही ऐड किया है और मैं साथ रोज़ वाटर भी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन एक्ने स्किन वाले आप लोग दही यूज़ ना कीजिएगा तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मैं रोज़ वाटर इसमें इतना ऐड करूँगी कि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, क्योंकि अभी ये थोड़ा सूखा सूखा सा है, तो इसमें इतना ऐड हो जाए कि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा थिन हो, आसानी से अप्लाई हो फेस पे। तो अब बात कर लेते हैं हम बेनिफिट्स की। तो बेसन हमारी स्किन को डीप क्लींस करता है, एक्सफोलिएशन देता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, इम्प्रूव स्किन टेक्सचर करता है, और जिनके ऑयल का प्रॉब्लम है उनका रिड्यूस ऑयल करता है, इनहेंस ओवरऑल स्किन हेल्थ, यानी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप फेस वॉश होम वाले इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब घर का, तो आप रोजाना डेली अपनी स्किन में बेसन को यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप उससे रोजाना फेस वॉश कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं चावलों के आटे की। तो चावल का आटा हमारी स्किन के लिए क्यों अच्छा है? हमारी स्किन को अच्छी तरह एक्सफोलिएट करता है, ब्राइट करता है, मेन चीज़ जो हमें स्किन वाइटनिंग चाहिए होती है, और ऑयल ऑब्जॉर्व करता है, यानी कि हमारा ऑयल खत्म करता है, बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत जैसे जो एक्स्ट्रा ऑयल आता है उसको। तो वैसे तो आप लोगों ने सुने ही होंगे राइस फ्लोर हमारी स्किन के लिए कितना बेनिफिट है, बाकी थोड़ा सा मैंने आपको गाइड कर दिया। तो चावल का आटा भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारी स्किन में विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसको कंप्लीट करता है, और बाकी ये तीनों चीज़ें मिला के आप यूज़ करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं दही की। दही हमारी स्किन के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको टाइट करता है, एक्ने के लिए बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग के लिए, और एक्सफोलिएशन हमारी स्किन को बहुत अच्छा एक्सफोलिएट करता है। तो यहाँ हमारा उपटन मिक्स अच्छी तरह हो गया है, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ इसको, और आप लोग देख सकते हैं ना ये ज़्यादा थिन है ना ये ज़्यादा थिक है। इसको आपने 20 मिनट लगाना है, 20 से 25 मिनट आपने लगा के रखना है, फिर आपने हल्का हल्का इसको डैप करके इसकी मसाज करनी है, एंटी क्लॉकवाइज इसकी मसाज करनी है, 5 मिनट भी कर सकते हैं वरना आप 3 से 4 सेकेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना फेस वॉश कर लेना है। इसको आप वीक में 3 दफ़ा यूज़ करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ हमने हल्दी भी ऐड की थी, और हल्दी हमारी स्किन के रिड्यूस डार्क पैचेस करता है, मतलब जो हमारी स्किन पे डार्क पैच बन जाते हैं, इवन आउट हो जाता है स्किन का, तो ये हमारी स्किन को इवन टोन करता है। तो यानी कि आपको इस उपटन के बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर आपकी शादी में 2 से 3 महीने तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन पीरियड है, आप इसे यूज़ करें आपकी शादी तक, इसे आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि सब पूछते रह जाएंगे। और होममेड बेसिकली इसका असर जल्दी जाता भी नहीं है, तो ना इससे कोई साइड इफेक्ट होने वाला है, ना इससे किसी किस्म के स्किन टाइप वालों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ समझ ना आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।